नमस्कार दोस्तों, हमारी चैनल में आपका स्वागत है और वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि कई दिनों से YouTube पे योनि के ढीलेपन को कैसे दूर करें, रातों रात योनि को कैसे टाइट करें, ऐसे वीडियो बनाए गए हैं। इन सभी वीडियो में बताया गया है कि फिटकरी के उपयोग से ढीली योनि को पहले जैसा बनाया जा सकता है। ये बात सच है कि इससे योनि का ढीलापन दूर हो जाएगा, लेकिन इन सभी दोस्तों इस सभी वीडियो में फिटकरी के फायदे ही बताए गए हैं, लेकिन किसी भी वीडियो में फिटकरी से होने नुकसान बताए नहीं गए हैं। और ये फिटकरी आपकी स्किन पे इतने साइड इफेक्ट करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। फिटकरी योनि के ढीलेपन के लिए नहीं है, लेकिन उसका सही उपयोग गंदे पानी को प्यूरिफाई करने के लिए, चमड़े की वस्तुओं के बनाने के लिए, फायरप्रूफ कपड़े बनाने के लिए, डिओडोरेंट बनाने के लिए ही उसका उपयोग होता है। फीताकरी के ज्यादा उपयोग से क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, आपको पता ही नहीं होगा कि फिटकरी का साइंटिफिक नाम क्या है, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट और पोटेशियम एल्यूमिनियम। दोस्तों, इस पोटेशियम का गन पाउडर बनाने के काम आता है, जो सबसे खतरनाक केमिकल रिएक्टर है। अगर आप डेंजरस केमिकल में देखें तो पोटेशियम पहले नंबर पर आता है। दोस्तों, पोटेशियम को आपकी स्किन पे लगाने से सिकन की जो कोशिका है उसको ये सुन्न कर देगी और आपकी स्किन को टाइट कर देगी और आपको लगेगा कि आपकी योनि टाइट हो गई। लेकिन दोस्तों, ये सच नहीं है। इससे आपकी स्किन पे दरार पड़ सकती है और आपकी स्किन फट भी सकती है और आपको इन्फेक्शन भी हो सकता है, आपको जलन हो सकती है और आपकी योनि के आसपास की स्किन इतनी काली हो जाएगी कि आप डर जाएंगे। दोस्तों, पोटेशियम का एक और भी साइड इफेक्ट है कि इसके ज्यादा उपयोग से आपको इन्फेक्शन और कैंसर भी हो सकता है। दोस्तों, हमारे शरीर में योनि एक ऐसा पार्ट है जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। इसी की वजह से हम अपनी सेक्स लाइफ का आनंद ले सकते हैं, लेकिन पोटेशियम के उपयोग से आपकी सेंसिटिविटी खत्म हो जाएगी और आप अपने पार्टनर के साथ संबंध बनाते समय कुछ भी महसूस नहीं कर सकोगे, जिसका पूरा इफेक्ट आपकी सेक्स लाइफ पे पड़ेगी और वो बर्बाद हो सकती है। इसके ज्यादा उपयोग से एबॉर्शन की नौबत भी आ सकती है। अगर आपको ऐसा लगे कि आपको आपकी स्किन पे दरारें या जलन हो रही है, तो आपके लिए बादाम का तेल सबसे ज्यादा फायदेमंद है। उसका उपयोग आप एक सप्ताह तक करें। दोस्तों, हमारी आपसे एक ही विनती है कि किसी भी घरेलू नुस्खे करने से पहले उस चीज के साइड इफेक्ट पहले से जान लीजिए, और फिर भी आपको कोई परेशानी हो तो तुरंत आपके डॉक्टर की सलाह जरूर ले। दोस्तों, मेरे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज उसे लाइक करे, शेयर करे और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, ताकि आपको हमारे आगे की वीडियो की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।